अर्जुन पुरी मौजूद है, यहाँ पे कैडी मौजूद है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। इसमें जो है वो अमृतसरी निकल भी है और ये आपको नागरी वगैरह काफ़ी सारी राजन पुरी है। ये जो भी हम देख रहे हैं ये गुलाबी नस्ल की है जो थी। अच्छा, और यहाँ पे साइज़ की भी मैं वेरिएशन देख रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें गुलाबी के भी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेदास पे इंफॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर हम आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स इंट्रो वीडियो में देख चुके हैं कि आज हम अल अहमद फार्म पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम विज़िट करेंगे और गोट्स की ब्रीड देखेंगे। साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा, ईद मुबारक। और आप तमाम व्यूवर्स के जितने भी अहले खाने हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, अल्लाह पाक उन तमाम को खुशियाँ दे और हिफाजत से रखे, ये जो भी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज इस फॉर्म पे कौन कौन से ब्रीड के गोट्स मौजूद हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से बात कर लेते हैं। और साथ साथ ये भी इस वीडियो में मेंशन करूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ गई है, अब बकरीद आने वाली है, तो इस तरीके की वीडियो भी हम लोग अपने चैनल पे इंक्लूड करते रहेंगे। गोट्स के फार्म हो गए, बकरीद के हवाले से जो भी फार्म हाउसेज हैं अब उनको भी विज़िट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑनर से बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बता दूँ इस फार्म हाउस की खासियत, काफ़ी ज़बरदस्त फार्म हाउस है। इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। जितने भी एनिमल गोट वगैरह ये रखते हैं उनको काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट दे देते हैं। एक ओवरव्यू अगर आपको दिखाऊँ इस फार्म हाउस का, तो काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट है। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। तो ये बताएं आज व्यूवर्स के लिए कौन कौन सी गोट की ब्रीड आपके पास मौजूद है। जी, सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। मुबारक। और आज आपको जो है हम ईद के लिए स्पेशल आपके व्यूवर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं। और गोट्स हमारे पास जो है वो मिल्किंग गोट्स हैं और रेडी टू ब्रीड पटे हैं, तकरीबन 6 महीने से 12 महीने तक की। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हम आगे चलते हैं फिर आपको दिखा चलें। तो आई व्यूवर्स, सेटअप की तरफ चलते हैं, इनके फार्म की तरफ चलते हैं और विज़िट कर लेते हैं। जी जनाब, इस शेल्टर के अंदर कौन कौन सी गोट की ब्रीड मौजूद है जो हम जहाँ पे मौजूद है अभी? जनाब, यहाँ पे बीतल मौजूद है, यहाँ पे जो है वो अपना गुलाबी मौजूद है, यहाँ पे राजनपुरी मौजूद है, यहाँ पे टेडी मौजूद है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। अच्छा, मिक्स ब्रीड रखी हुई आपने? नहीं, सब के पोर्शन अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वो सेल जो करनी है वो हमने एक अलग एक जगह पे यहाँ पे आपके लिए हमने लेकर आए हैं दिखाने के लिए। जी जनाब, ये जो हम पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये राजनपुरी है, पटे हैं और दो दांत की हो गई है ये। अच्छा, रेडी टू क्रॉस है, रेडी टू ब्रीड है और अभी आप कह रहे हैं जैसे कि ये रेडी हुई है। जी हाँ। तो एज क्या इनकी? ये दो दांत हो गई हैं, तकरीबन 14 महीने की एज है इनकी। 14 महीने की एज है। तो पर गोट क्या अप्रोक्सीमेटली वेट होगा, अंदाज़ा कुछ इस चीज़ का? ये वाली हम आपकी व्यूवर्स के लिए 17,500 रुपये की एक देंगे। ठीक है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये अपनी लोकल ब्रीड की? जी, ये लोकल यहीं की पैदा हुए बच्चे, ये यहाँ के इनके लोकल फार्मिंग के बेबीज़ हैं, अब ब्रीड के लिए रेडी हो गए हैं। और ईच फीमेल की प्राइस उन्होंने बताई है 17,500 इन्होंने प्राइस बताई है। जी, ये जो हम देख रहे हैं दोनों गोट, इनके बारे में बताएं। ये भी राजनपुरी है, ये राजनपुरी अबलक है और ये भी एक इसमें से जो है वो दो दांत हो चुकी है और एक जो है वो तकरीबन 9 महीने 10 महीने की है। अच्छा, ये जो हाइट में कम है ये तकरीबन 9-10 महीने की है और जो दो दांत हो चुकी है उसकी हाइट बड़ी है। जी, तो प्राइस में क्या डिफरेंस है इन दोनों के? ये हम आपको दे देंगे 16,500 की एक, 16,500 की एक। और अबलक नस्ल आप बता रहे हैं? जी हाँ, राजनपुरी नस्ल है, अबलक, राजनपुरी अबलक नस्ल है। ये भी आपकी फार्म की लोकल ब्रीड के दोनों? यहीं की ब्रीड है, वैक्सीनेटेड हैं सारी, जो भी आपको बकरियाँ दिखाएंगे सब वैक्सीनेटेड है। ये वैक्सीनेटेड हैं व्यूवर्स। और यहाँ पे इन्होंने ईच गोट की जो प्राइस बताई है 16,500 बताई है, 16,500। जी जनाब अब्दुल साहब, ये जो हम देख रहे हैं गोट्स, इनके बारे में बताएं। ये टेडी नस्ल है, एक टापरी है और एक जो है वो राजनपुरी टेडी है, वाइट वाले जो है वो राजनपुरी टापरी है और राजनपुरी गुलाबी है टेडी में। और ये जो सिंग वाली नज़र आ रही है ये हिरनी जैसी, ये टापरी है।
अच्छा, दोनों माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कम हाइट की हैं, और इनकी एजेस बताइएगा। ये जी तकरीबन दो दांत की हो गई हैं और दोनों क्रॉस हो चुकी हैं। अच्छा माशाल्लाह, दोनों बता रहे हैं प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और दो दांत एज जी, दो दांत एज है, दोनों क्रॉस हो चुकी हैं। अभी मैं आपको ब्रीडर दिखा रहा हूँ कि ये कौन से ब्रीडर से क्रॉस हुई हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम है ये क्रॉस? जी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम क्रॉस है। तो क्या उम्मीद है, कितने बेबीज आएंगे? फर्स्ट टाइम में एक ही होता है जी। और कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में, कम से कम 5 महीने और कुछ दिन का डिलीवरी टाइम होता है। अभी तकरीबन 15-20 दिन हुए इनको तकरीबन क्रॉस हुए, तो तकरीबन समझे कि 5 महीने के आसपास ही डिलीवर करेंगे। तो क्या डिमांड रखी है इनकी? ये आपको एक मिलेगी जी 17,500। अच्छा, तो व्यूवर्स यहाँ पे फुल वैक्सीनेटेड हैं ये, और ये बता रहे हैं कि 17,500 रुपये की एक गोट है जिसमें दोनों प्रेग्नेंट हैं और फर्स्ट टाइम ब्रीड हो गई इनकी, और फर्स्ट टाइम में तकरीबन एक बेबी आता है, और दोनों इनके फॉर्म की लोकल ब्रीड के गोट्स हैं ये। आप लोग इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, और माशाल्लाह देख रहा हूँ दोनों हाइट में कम हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो व्यूवर्स ये है मेल जिससे इन्होंने ये क्रॉस कराई है दोनों गोट को। जी वदूद साहब, इसकी एज बताइएगा और इसके बारे में बताएं ब्रीडर के। ये ब्रीडर ये बर्बरी नस्ल का है, और जो हमारी जो टैडी जितनी भी बकरियां हैं हम इसी से क्रॉस कराते हैं। अच्छा, इसके भी एज क्या है? इसकी एज तो तकरीबन 3 साल है। 3 साल इसकी एज है। और मोस्टली कितने साल तक आप ब्रीड लेते हैं गोट से? जैसे मेल जो है, मेल तो तकरीबन 5-6 साल तक तो प्रॉपर ब्रीड करता है, मतलब क्रॉस करता है। अब गजा अच्छी हो तो लोग 8-8 साल तक भी लेते हैं। अच्छा, तो अभी ये अपनी ब्रीड के पर्पस के लिए रखा है या आपने सेल पर्पस के लिए रखा है? ये ब्रीड के पर्पस के लिए, यहाँ ब्रीडर है। ओके जी जनाब, ये जो हम दो गोट देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। ये दोनों गुलाबी पट हैं, एक प्योर वाइट में है और एक पासे के साथ है। अच्छा, क्या एज है इनके भी? एक जो है जो प्योर वाइट है ये दो दांत हो चुकी है, और ये जो पासे के साथ है ये तकरीबन 1-2 महीने में 3 महीने में ये दो दांत की हो जाएगी। अच्छा, तो क्या डिमांड रखी है इनके आपने? ये 30,000 रुपये की एक है फाइनली, जो आपके व्यूवर्स के लिए जो पैसे हैं इसके 30,000 रुपये एक के हैं। लोग इसकी डिमांड तो 35,000-40,000 करते हैं, लेकिन 30,000 रुपये फाइनल प्राइस है। 30,000 इसकी फाइनल प्राइस बता रहे हैं। और वैक्सीनेटेड है ये? वैक्सीनेटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी एक्टिव है। आपकी गोट की लोकल ब्रीड है? जी यहाँ की कराची की लोकल ब्रीड है जी। ये जो हम देख रहे हैं गोट, इन दोनों के बारे में बताएं जी। यहाँ पे जितनी भी अब जो बाकी गोट्स नज़र आ रही हैं ये सारी इसमें बीतल हैं, और इसमें जो है वो अमृतसरी बीतल भी हैं, और ये आपको ये नागरी वगैरह बीतल भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एजेस हैं इनकी? ये इसमें से कुछ जो है वो दो दांत हो चुकी हैं, और कुछ अभी 1-2 महीने में 2 दांत हो जाएंगी। और क्या डिमांड रखी है इनकी? ये 17,500 रुपये हैं आपके व्यूवर्स के लिए ईद का रेट। ओके, तो ईदी पैकेज बता रहे हैं जनाब के 17,500 रुपये पर गोट की डिमांड है, प्लस दो दांत कुछ हो रही हैं और कुछ 1-2 मंथ में 2 दांत हो जाएंगी जी। हाँ, क्योंकि बीतल नस्ल नॉर्मली जो है वो महंगी होती है, लेकिन हम ईद पे हमने सबका ये फ्लैट रेट किया हुआ है 17,500 रुपये। प्लस ये जितनी भी यहाँ पे गोट्स इनके पास होती हैं तमाम वैक्सीनेटेड होती हैं, और प्लस यहाँ पे इनकी अपनी लोकल फार्म की ब्रीड होती है। कराची के माहौल से ये एडजस्ट हुई हुई हैं, फार्म के माहौल से एडजस्ट हुई हुई हैं। चराई वाले जानवर जो है वो एडजस्ट होने में ज़रा टाइम लेते हैं, फिर उनके अंदर दूसरे मसले मसाइल निकलते हैं। ये अलहमदिल्ला क्लीन है, साफ़ सुथरी है। ब्रीडिंग के एतबार से देखें तो कब तक ब्रीड दे देगी? बस अब ये 2 दांत की हो गई, अभी किसी भी टाइम पे हीट पे आएंगी और वो क्रॉस हो जाएंगी। 2 दांत पे होने के बाद तो फिर किसी भी टाइम पे हीट पे आगे क्रॉस हो जाती हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे इन्होंने पैकेज दिया है, ईदी पैकेज है 17,500 का जी। तो नेक्स्ट कौन सी गोट दिखाएंगे आप हमारे व्यूवर्स को? इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे मिल्किंग गोट्स के ऊपर, जो बकरियाँ अभी आजकल दूध दे रही हैं, बच्चे उनके हो चुके हैं, बच्चे हमने अक्सर के सेल कर दिए हैं। वो जो बकरियाँ हैं वो सारी जो है वो दूध वाली बकरियाँ हैं। अगर किसी ने दूध वाली बकरियाँ रखनी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलें तो उस शेल्टर की जानिब चलते हैं। तो व्यूवर्स इस टाइम हम उस शेल्टर में मौजूद हैं जहाँ पे तमाम इन्होंने मिल्किंग गोट रखी हुई है, यानी कि दूध देने वाली बकरियाँ, और इनके बेबीज़ भी मौजूद हैं इनके पास। प्लस यहाँ पे जो ब्रीड मौजूद है वो आप तमाम व्यूवर्स को दिखाते हैं। जी वदूद साहब, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है आपके पास? जी यहाँ पे सारी जो है वो राजनपुरी बकरियाँ हैं मेरे पास, और इनमें से जो है वो सिर्फ 2-3 बकरियों के ही बच्चे यहाँ पे हमारे पास हैं, बाकी सबके बच्चे सेल हो चुके हैं।
और अब ये सेव्स हमने यहाँ पे ये मिल्किंग पर्पस के लिए रखी हुई है, दूध इनसे लेते हैं। अच्छा, तो तकरीबन कितना दूध पर डे के हिसाब से दे देती है गोट? कोई बकरी 1.5 लीटर देती है, कोई 2 लीटर देती है, सबका अपना अपना हिसाब है। अच्छा, एज क्या है इनकी? एज इनकी तकरीबन 2.5 से 3 साल इनकी एज है। अच्छा, 2.5 से 3 साल यहाँ पे जो गोट्स हैं उनकी एज है, और तकरीबन 1.5 लीटर डे के हिसाब से दूध दे देती हैं ये गोट्स। और इसमें मल्टीपल ब्रीड्स में देख रहा हूँ मिक्स हैं, जिसमें राजनपुरी हैं। ये सारी राजनपुरी हैं, एक आपको इसमें गुलाबी नज़र आ रही है, बाकी सारी राजनपुरी हैं। ये जो भी हम देख रहे हैं ये गुलाबी नस्ल की है। ये जो सिंग वाली लंबे कान वाली है ये गुलाबी है। तो क्या डिमांड है यहाँ पे गोट्स की? जी यहाँ पे हमने आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशल रेट रखा है। एक पैकेज ऐसा है कि अगर आपने एक बकरी लेनी है, कोई एक बकरी लेनी है, तो आपको 25,000 रुपये की एक बकरी मिलेगी दूध वाली। ये फाइनल प्राइस है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। जो भी आपको रेट बता रहा हूँ आपके व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ, हमने वैसे इनकी डिमांड 35,000 रुपये रखी हुई है। अच्छा, फर्दर ये ब्रीड कर सकती हैं? जी, अभी हमने इनको क्रॉस इसलिए अभी नहीं कराया क्योंकि हम अभी इनसे दूध ले रहे हैं। जब तक हम इनको क्रॉस करा देंगे तो फिर ये दूध खुशक करना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जब तक दूध ले रहे हैं, जब तक इनको क्रॉस नहीं कराया, जब दूध का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको क्रॉस करा। जब हमें दूध की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर हम इनको क्रॉस करा देंगे, फिर बच्चे लेंगे इनसे। जी जनाब, यहाँ पे जो गोट्स मौजूद हैं, दूध के हवाले से देखा जाए गोट्स का तो काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, तो क्या क्या मेडिकेशन होती है, थोड़ा सा ये भी गाइड करें। हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सेहतमंद हैं, और जब हम ब्रीड कराने से पहले ही इनको टीके वीके जो लगाने होते हैं जेल के या पेट की सफाई वगैरह, वो सब हम कर देते हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई टीके और कोई मेडिसिन इनको नहीं चल रही, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। और प्राइस के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी को सारी बकरियां चाहिए हों तो हम उनके लिए जो है वो 22,000 रुपये फी बकरी के हिसाब से हम उनको दे देंगे। कितनी क्वांटिटी मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ये 17 बकरियां हैं, 17 बकरियां हैं, दूध दे रही हैं सारी, आके चेक कर सकते हैं। ओके, तो व्यूवर्स यहाँ पे इन्होंने एक एक्सक्लूसिव पैकेज भी दिया है कि अगर कोई तमाम गोट्स लेना चाहे तो 22,000 ईच गोट के एतबार से ये दे देंगे। जी हाँ, और अगर कोई अपनी चॉइस से लेता है, कोई एक बकरी 2 बकरी लेता है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है छांट के लेगा तो फिर वो 25,000 रुपये उसका रेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? मैं आपको अब कुछ बच्चे हैं हमारे पास फॉर सेल, मैं वो आपको वो दिखा देता हूँ। जी जनाब, ये जो हम बेबीज़ देख रहे हैं गोट के, इनके बारे में बताएं। जी, ये राजनपुरी बकरियों के बच्चे हैं, और इनमें जो है वो ये 3 फीमेल हैं और 1 मेल है। और एज क्या है इनकी अभी? इनकी एज ये सेल्फ हो चुके हैं और अभी हम इनको जो है वो दूध अभी भी पिला रहे हैं, लेकिन ये खुद दाना भी खाते हैं। अच्छा, तो वैक्सीन वगैरह के काबिल हो गए आप? वैक्सीन तो खैर वो तो डे वन से इनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो होती रहती है इनके साथ। नहीं मतलब सेल्फ फीड पे आने के बाद एक प्रोमिनेंट वैक्सीन लगती है ना? वो लगती है अभी वो नहीं लगाई है इसको। ठीक है, तो क्या डिमांड रखें इनकी? PPR बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अभी, इनकी वो स्ट्रेंथ नहीं आई है अभी उसके हवाले से, तो वो लगवानी पड़ेगी। वो तो कितने माह के बाद लगती है? 3 महीने के बाद लगती है। 3 माह के बाद लगती है, तो अभी इनकी जो एज है तकरीबन 2.5 महीने के हुए हैं। 2.5 महीने के, तो क्या डिमांड है एक बच्चे की यहाँ पे? इसमें मेल 12,000 रुपये का है और फीमेल जो है वो आपको 10,000 रुपये आपके व्यूवर्स के लिए फाइनल प्राइस हो जाएंगी। अच्छा, और यहाँ पे साइज़ की भी मैं वेरिएशन देख रहा हूँ, 3 छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, 1 बड़ा नज़र आ रहा है। वो 2-5 दिन 10 दिन के ऊपर नीचे फ़र्क से थोड़ा सा हो जाता है किसी बकरी कोई। प्राइस रेंज में तो कोई फ़र्क नहीं है? प्राइस रेंजेस में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर पे जो पहले आ जाए उसकी चॉइस पहले। ओके, तो मेल जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये का आपने बताया, मेल 12,000 और फीमेल 10,000। तो नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूअर्स को? नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं अगली तरफ। जी वदूद साहब, अभी जिस शेल्टर में हम मौजूद हैं उसमें कौन सी ब्रीड है और व्यूवर्स को आप कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? देखें, जब हम जिस शेल्टर की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2-3 ब्रीड्स हैं। एक गुलाबी है, सिल्की गुलाबी जो है, और एक मेरे पास बर्बरी के बच्चे हैं टेडी के, और कुछ मेरे पास जो है वो उसमें बीतल के बच्चे हैं। अच्छा, तो देख लेते हैं। जी वदूद साहब, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बेबीज, इनके बारे में बताएँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें गुलाबी के भी आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे वाइट में, और इसमें जो है ये आपको जो कलर में नज़र आ रहे हैं ये बीतल के बच्चे हैं।
अच्छा। और जो खड़े कान वाले नजर आ रहे हैं वो आपको उसके बर्बरी के टेडी के हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या एजेस हैं यहाँ पे बेबीज की? ये सारे बेबीज जो हैं वो 2.5 से 3 महीने के हैं, एक आध के अलावा, एक आध जो है उसमें वो 1 महीने का है, बाकी वो सारे जो है वो 2.5 से 3 महीने के हैं। सेल्फ फीड पे आ गए हैं तमाम? जी, सेल्फ होना शुरू हो गए हैं, अक्सर सेल्फ हो चुके हैं इसमें, लेकिन हम तकरीबन 4-4.5 महीने तक इनको दूध पिलाते हैं। अच्छा, तो वैक्सीनेटेड हैं तमाम? वैक्सीन अभी PPR के अलावा इनको ETV वगैरह हो चुकी है। तो क्या डिमांड है पर बेबी की यहाँ पे? मैं ब्रीड के हिसाब से है, आप अगर वो कोई टेडी के इसमें तो बच्चे लेता है तो वो 10,000 रुपये का एक है। अच्छा जी, आपके व्यूवर्स के लिए हम, क्योंकि ये बर्बरी नस्ल है, खड़े कान वाली है, तो इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। लोग टेडी का नाम सुन के जो है ना वो 5-6 हज़ार रुपये उनका तस्वीर आता है। ये स्पेशल खूबसूरत ब्रीड होती है तो खूबसूरती की वजह से होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो फर्दर जैसे डिफरेंट हम ब्रीड देख रहे हैं उसमें क्या प्राइस हैं? बाकी इसमें जो हमारे पास बीतल के बच्चे हैं, बीतल के जो आपको मिल जाएंगे, इसमें जो फीमेल्स हैं वो सारी आपको 10,000 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगी। और इसमें जो गुलाबी हैं, गुलाबी के आपको बच्चे मिलेंगे 22,000 रुपये का एक। अच्छा, तो तकरीबन 10,000 से लेके 25,000 तक की रेंज के यहाँ पे दे रहे हैं। जो इसमें जो स्पॉटेड हैं जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसके निकारी का गुलाबी के। अच्छा, ये ब्लैक यहाँ पे जो है ना वो आपको कुछ गुलाबी भी है, ये ब्राउन वाला एक साथ, ये वाला। तो व्यूवर्स, यहाँ पे बेबीज़ जो हैं वो 10,000 से तकरीबन 25,000 के रेंज के अंडर में हैं, और ये तमाम इनकी गोट की लोकल ब्रीड के बेबीज़ हैं, और वैक्सीन हो गई है इनकी, और आप लोग इनकी हेल्थ देख सकते हैं, लेकिन ये स्टिल 4 महीने तक इनको दूध देते हैं, यानी कि हैंड फीड देते हैं, उसके बाद ये अभी भी सेल्फ फीड पे आ गए, लेकिन कम्प्लीटली जो ये सेल्फ फीड पे लाते हैं तकरीबन 4 मंथ्स के बाद लाते हैं। इनकी ग्रोथ के लिए हम देते हैं, क्योंकि ये दूध पीते रहते हैं तो इनका जो है वो इनका कद बढ़ता रहता है, इसलिए इनको दूध देते रहते हैं। जी वदूद साहब, अभी जिस शेल्टर में मौजूद हैं इसका पर्पज़ बताएँ और इसमें कौन कौन सी ब्रीड देखने को मिलेगी? जी, यहाँ पर सारी टेडी बकरियाँ हैं, और इसमें से कुछ जो है वो बच्चों के साथ हैं और कुछ जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं, अभी उनके साथ बच्चे नहीं हैं। तो ये आपका ब्रीडिंग शेल्टर है? जी, सारा ये हमारा टोटल ब्रीडिंग सेटअप है सारा। ओके, तो व्यूवर शायद देख लेते हैं, गोट की जानिब चलते हैं और आपको साथ साथ ब्रीड दिखाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं गोट्स, इनके बारे में बताएँ, जैसा कि आप बता चुके हैं टेडी नस्ल की हैं, तो क्या एजेस की हैं यहाँ पर, और साथ साथ ये बताएगा इनकी वैक्सीन वगैरह हुई है? जी, वैक्सीन्स वगैरह तो सबकी हुई हुई है यहाँ पे, और कुछ इसमें से जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चों के साथ है। तो क्या एजेस हैं इनकी यहाँ पे गोट्स की? कुछ इसमें जो है वो 2 दांत की हैं और कुछ जो है वो 6 दांत 8 दांत की हो चुकी हैं। अच्छा, टेडी इज़ वन ऑफ द ब्रीड जो कि काफ़ी आसानी से पाकिस्तान के कराची के एनवायरमेंट में ब्रीडिंग देती है। जी, मगर इसमें आपको जो है वो टेंशन फ्री आप इसको पाल सकते हैं, ये ज़्यादा बीमार नहीं होती, खाने पीने में भी नखरे नहीं है, कोई भी मतलब हल्का फुल्का ऊंचा नीचा सब खा लेती है। अच्छा, इसमें मल्टीपल्स हाइट की मैं देखता हूँ टेडी, तो उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? जी, इसमें जो है वो आपको बताया ना कि कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई 2 दांत की है, कोई जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इस वजह से आपको इनके वो नहीं। टेडी ब्रीड में भी अगर हम देखें तो उसमें कुछ टेडी छोटी नस्ल की होती हैं, कुछ बड़ी नस्ल की होती हैं, तो क्या डिफरेंशिएट है? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी गौर करें। यहाँ पर आपको 2 से 3 नस्ल की टेडी नज़र आ रही है, सब अलग अलग नस्ल की है। ठीक है, जो खड़े कान वाली है वो बर्बरी है, जो पीछे सींग वाली है वो अपना नॉर्मल टेडी है, एक और आपको ये रेयर ब्रीड वाली दिखाऊंगा मैं, ये जो वाइट वाली है, छोटे छोटे कान होते हैं इनके, ये जिसके सींग अभी बैक हैं, बैक की साइड पे हैं इसके सींग, और एयर जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे से हैं। ये अलग अलग नस्ल की हैं, ये सारे जो है वो हमने अपने शौक के हिसाब से जमा करी हुई है। अच्छा, डिमांडिंग रेशो में क्या फ़र्क होता है इनमें ब्रीड के हवाले से अगर देखें तो? प्राइस रेंजेस में फ़र्क आता है? प्राइस रेंज अभी हमने इनकी जो रखी हुई है वो 14,000 रुपये से और 20,000 रुपये तक के है। जो बच्चे के साथ है, एक बच्चे के साथ है वो 20,000 की है, और जो बग़ैर बच्चों के हैं वो 14,000 की है आपको, और जो बर्बरी है वो 18,000 की है, जो खड़े कान वाली बर्बरी है। अच्छा, यानी कि ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस गोट की एज देखी जाती है, और अगर वो बेबी के साथ है तो तकरीबन
20-25 हज़ार के साथ है वो हमने 20,000 रुपये उसकी प्राइस रखी है जो बेबी के साथ है। और बेबीज़ भी इनमें जो हैं वो सारे फीमेल हैं, ये भी मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि इस जो बेबीज़ हैं इनके साथ वो फीमेल हैं और जितने भी हम गोट्स देख रहे हैं ये भी फीमेल हैं तमाम। जी हाँ, और इसकी जो है वो बेबीज़ की एज भी तकरीबन 3 महीने के करीब हो गई है। ओके, तो व्यूवर्स ये ब्रीड मौजूद थी आज वदूद साहब के फार्म हाउस पे और काफ़ी मुनासिब रेट बताए इन्होंने। जनाब आपने ईदी पैकेज भी बताया इसमें, तो व्यूवर्स को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि नॉर्मली जो रेंज होती है प्राइस वो क्या होती है और आपने ईदी पैकेज के हवाले से क्या डिस्काउंट लगाया उस पर। देखें, हमने जो है वो पिछली वीडियो में भी आपके हमने स्पेशल रेट दिया था और पहले बता के दिया था कि जी जो भी हम प्राइस बता रहे हैं ये फ़ाइनल है। और इस दफ़ा ईद के हवाले से भी हमने जिन बकरियों को हम 35-35 हज़ार रुपये हम डिमांड कर रहे थे वो हमने यहाँ पे 22-22 हज़ार रुपये आपके व्यूवर्स के लिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर जो सब लेता है वो 22,000 रुपये में ले ले, अगर जिसको एक दो चॉइस से चाहिए तो 25,000 में ले ले, तो जो पहले आएगा पहले ले लें। और अगर किसी को ऑनलाइन मंगानी है तो उसका तरीका आप जो है हमसे वो अकाउंट नंबर ले ले, हमें उसका ईजी पैसा करा दे या और किसी उससे करा दे, ऑनलाइन करा दे। उनको जहाँ कराची में डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, हम उनको पहुँचवा देंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे इन्होंने ये तमाम चीज़ें क्लियर कर दी कि डिलीवरी चार्जेस के साथ ये डिलीवर भी कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों को आने में परेशानी होगी, तो वो डायरेक्ट वदूद साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है 03222239398। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं और गूगल मैप पे भी आप अल अहमद फार्म को आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे अल अहमद फार्म को आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको अल अहमद फार्म के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा फर्दर अगर कोई विजिट करना चाहे तो लोकेशन को मेंशन कर दें। जी, लोकेशन आप जो भी व्हाट्सएप मुझे मैसेज करें मैं आपको पिन भेज दूंगा, आप लोकेशन से आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दुम्बा गोट पे है, हाईवे के पास है, मलीर वाटर वर्ल्ड पार्क के पास। तो आपको जब भी आना हो बराए मेहरबानी 11 बजे से रात को 11 बजे से पहले कॉल करें, लोग बाज़ औक़ात जो है वो 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल कर लेते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वदूद साहब को। तो आज हमने वदूद साहब की खिदमात ली, इनके फार्म पे जो भी गोट्स की ब्रीड मौजूद थी आप तमाम व्यूवर्स को दिखाए, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होगी। वदूद साहब से लेते हैं इजाज़त, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आज की ये कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी और आज वदूद साहब ने काफ़ी एक मुनासिब रेट दिया। ईदी पैकेज ये था कि जो रेगुलर रेट होते हैं उसमें उन्होंने 5-8,000 का डिस्काउंट दिया आप तमाम व्यूवर्स के लिए, तो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। और काफ़ी अच्छी इनके पास गोट की ब्रीड मौजूद है, प्लस इनके अपने लोकल फॉर्म की ब्रीड्स होती हैं, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, सर्वाइवल चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि कोई बीमारी ज़्यादा हमलावर नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आज की कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।